गांव खटेला में एक वृद्ध के घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की गई। जब इसकी सूचना मुंडकटी थाना पुलिस को दी तो पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और आरोपी गांव में घूम रहे हैं और कह रहे हैं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। दहशत में जी रहे दोनों बुजुर्ग को अपनी जान का खतरा बना हुआ है, पर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। यह घटना 15 अक्टूबर दोपहर 3 बजे की है, लेकिन 22 अक्टूबर तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। क्या मामला है जी? मेरा नाम देशराज है, मैं एक्समैन हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ और मेरा काम खटेला है। मेरे दो लड़के, एक एयरफोर्स में है एक आर्मी में है, उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं। हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ पर रहते हैं और अकेले ही, हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं। उनकी एक दो ईंट उनके बच्चे ने गेर दी, उनके पड़ोस में एक डंडा है उसमें रहते दो ईंट, उनके बच्चे खेल रहे, उन्हीं की ईंट थी, उन्हीं के बच्चे। हमारे घर वाले ने ये कह दिया, अब भाई वो गाली दे रही थी तो उसे कह दिया तुम्हारी ईंट तुम्हारे बच्चे। फिर वो लड़की को 2 बजे लेके आए यहाँ हमारे पास में, अब भाई ये लड़की ने ईंट गिरा है, इसने कह दिया हाँ यही लड़की है। वो छोटे भाई की लड़की थी और बड़े भाई का वो प्लॉट है जिसमें से वो ईंट गिरी थी। और उसके बाद में एकदम से हम बैठे हुए थे यहाँ, दो रिश्तेदार थे, चाय पानी पी रहे थे और मैं कुर्सी पर बैठा था, एकदम से हमला कर दिया। ये ऊपर से नीचे को आई तो इसके ऊपर भी। कौन कौन ने हमला किया? हमला किया एक तो जगबीर ने, शुरू में जगबीर ने किया, फिर ज्ञानी ने किया, उसके बाद धान सिंह बाहर खड़ा था। किस चीज से हमला किया था? वो किया रॉड और डंडे से। रॉड और डंडे से हमला किया? हाँ, मेरे सिर में चोट। कहाँ कहाँ चोट आई आपको? मेरे एक तो सिर में चोट आई है, इधर ये है, इसमें यहाँ पर ये देखो ये चोट है ये दी। जी। और एक मेरे इस बाजू में डंडा दिया है उन्होंने, ये इसमें जो जो ये हाथ है यहाँ पर डंडा दिया है। एक मेरे यहाँ छाती में इधर जो है ना ऐसे लाठी का होदा दिया है, इस साइड में लाठी का ऐसे होदा दिया है। यहाँ मेरे जो है ना अंदर सांस नहीं लिया जा रहा। और एक आपने इसकी शिकायत करी? इसकी शिकायत करी हमने मुंडकटी थाने में, तो वहाँ वो जो है ना आईओ है बहादुर सिंह चंदीला, तो उन्होंने कहा कि हम उचित कार्रवाई करेंगे और तुरंत ही इनको गिरफ्तार करेंगे। हमें बड़ा खेद है कि आप दो आपसे कोई रिश्वत भी मांगी गई मुकदमा दर्ज करने के लिए? मुकदमा दर्ज करने के लिए उन्होंने और तो कुछ नहीं कहा, पर ये कहा था कि धारा बनाने के लिए कुछ मोटे पैसे लगेंगे। ये आपसे कहा था? हाँ जी। क्या नाम था आईओ का? आईओ का नाम था बहादुर चंदीला। तो अब तक कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? 15 तारीख 2:30 बजे की बात है और हमने शाम को अपना मेडिकल पलवल सिविल हॉस्पिटल से करा करके वहां दिए थे और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम कहते हैं तो ये कहते हैं अभी टाइम दो, अभी टाइम दो, अभी टाइम दो, अभी टाइम दो।